वाई यू वेस्टिंग सो मच ऑफ ऑयल एंड मिल्क ऑन गॉड? वेयर इज इट रिटन की गॉड सेज मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आर पीपल वेस्टिंग सो मच. एट द सेम टाइम अपन हे बोलते है कि फार्मर दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ लेस फूड दिस थिंग मनी हे सगळं तुम्ही त्यांना द्या ना. मला काय कळतच नाही की आय गो टू टेम्पल्स अँड थिंग्स लाईक दॅट देअर सो मच ऑफ वेस्ट. तर नारळ फोडून 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 काय काय होणार आहे त्याच्यानं? तो विच गॉड हॅज सेड की मेरे ऊपर नारळ फोडो? सो दिस इज ऑल वी नीड टू डेव्हलप इज दॅट माइंड सेट की स्टॉप डुईंग ऑल दीज थिंग्स अँड लेट्स थिंक इन अ प्रॅक्टिकल वे. I think the best way to get God's attention is to do good. And that is nothing else. And not even to go to temples and be good. तुम्ही घरी बसून बसून पण आई वडिलांच्या पायाच्या जवळ बसला तरी सुद्धा तो टेम्पल तिकडेच आहे. हे काहीच मला ते कॉन्सेप्टच नाही कळत. म्हणून आय फेल लाईक मेकिंग दॅट फिल्म. सो कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था. आप सुनेंगे. तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों के बीच में महासमुद्र. अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था. प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे. तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर. गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर. राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है. वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ. राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूं. आज बारी हमारी. अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है. हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने. मैं खुद करता हूं शुरुआत. मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे. जय श्री राम.